दोस्तों एनसीबी ने जब दीपिका पादुकोण से 2017 के चैट के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनिए। दीपिका से एनसीबी ने पूछा, माल है क्या, माल है क्या? दीपिका ने एनसीबी के इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया, कहा हाँ मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये वो माल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उन्होंने कहा माल हम सीक्रेट को कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया माल हम सीक्रेट को कहते हैं। माल सीक्रेट का हमारा कोड वर्ड है। हैस क्या है, ये भी आपके चेक का हिस्सा है, ऐसा एनसीबी ने पूछा। तो दीपिका ने इसका जवाब समझाते हुए कहा हाँ माल हम सीक्रेट को कहते हैं और हैस और बीड हम दूसरे सीक्रेट के ब्रांड को कहते हैं। हैस और बीड टाइप ऑफ सीक्रेट है, यानी कि अलग अलग ब्रांड के सीक्रेट को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। एनसीबी इससे आगे बढ़कर और सवाल पूछती है कि ये हैस और बीड अलग अलग ब्रांड कैसे हो सकते हैं। तो दीपिका ने जवाब में कहा कि हम हैस पतली सीक्रेट को कहते हैं और बीड जो है हम मोटी सीक्रेट को कहते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने जवाब का दलील दिया। सीक्रेट को उन्होंने अलग अलग नामों से बता के अपनी दलीलें दी। दीपिका ने कहा हम सीक्रेट पीते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेते, लेकिन वो ड्रग्स से इनकार करती है। दीपिका ने अपने बचाव में ऐसे और कई सारे दलीलें दिए जो कि अजीबोगरीब था। उनके कहने का मतलब था कि हम रिलेशनशिप को भी इसी तरह से कोड वर्ड में कहते हैं, बुलाते हैं। जैसे शॉर्ट रिलेशनशिप होती है तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग रिलेशनशिप चलती है तो उसको क्या कहते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। अब देखना यह है कि एनसीबी उनके इस बात पे कितना विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब कुछ जो है एनसीबी ही डिसाइड करेंगे कि दीपिका की बात का कितना वो सच और कितना झूठ मतलब निकाल सकते हैं।